एकमा टोला रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कटरा वजीर में काफी समय से बंद पड़ी तेल मिल में चल रहे फोम के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। जिस समय गोदाम में आग लगी थी उस समय गोदाम मालिक अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। सूचना पर थाना एकमा टोला पुलिस के साथ दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। जब आग बढ़ रही थी तब आसमान में किलोमीटर तक छा रहा था काला धुआं। गोदाम मालिक के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी आग। जी क्या नाम है आपका? दिलीप गोयल जी। गोयल जी फैक्ट्री आप ही की है? अच्छा, क्या इसमें क्या क्या वर्क होता है इसके अंदर? अच्छा, किसको? अच्छा अच्छा, इसके अंदर क्या काम होता है गोदाम के अंदर? अच्छा अच्छा, कैसे लगी आग कुछ पता है? अच्छा, कितना नुकसान होगा कुछ अंदाजा? कोई अथार्थ है इसमें कोई अंदर? क्या फैक्ट्री बंद काम चला था? काम चला था अभी? जिनके पास ये गोदाम था क्या नाम है उनका? कितने बजे की घटना है ये? इस समय एकमा थाना रोड पर अपना दिखाने एक गोदाम मिल गया है जहाँ पर एक भीषण आग लग चुकी है। गोदाम मालिक ये गोदाम की बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब कितना नुकसान है, कितनी क्षतिपूर्ति है, वो एक आकलन के बाद मालूम पड़ेगा। इस समय मौके पर 5 घंटे की गाड़ियाँ मौके पर हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन ने तुरंत मौके पर आकर इस तरह से राहत का शुरू किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5 गाड़ियां मौके पर 15 मिनट के अंदर 5 गाड़ियों को प्रशासन में मौके पर भेजा गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द का उपाय है। कैमरामैन राजीव प्रसाद, रंजीत सिंह, सक्षम मीडिया, आगरा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।